यही पुकार, बंद करो ये अत्याचार। नर्सों की है यही पुकार, बंद करो ये अत्याचार। मोदी जी सुनो पुकार, मोदी जी सुनो पुकार, मोदी जी सुनो पुकार, मोदी जी सुनो पुकार। नर्सों की है यही पुकार, बंद करो ये अत्याचार। नर्सों की है यही पुकार, बंद करो ये अत्याचार। नर्सों की है यही पुकार, बंद करो ये अत्याचार। टर्मिनेशन वापस लो, 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 टर्मिनेशन। फुटेज जो दिखाते हैं ना विदेशों में जाके, ये वाली फुटेज जरूर दिखाना जाके। ये नर्सिस के साथ हो रहा है, 3 महीने लगातार काम करके अपने बच्चों से लग रह के, अपने माँ बाप से लग रह के उन्होंने कह दिया अब आप जाओ, आप जा सकते हो। ये उनके वादे पूरे तो हो रहे हैं। मोदी बताना, मोदी जी को कहना, ये जो बात करते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ना कहीं और ही जाके बोलना। ये देखो बेटियां उनकी कहाँ खड़ी है, ये देखो ना बेटियां कहाँ खड़ी है उनकी। ये जो लफ्ज और मुंह से कहते हैं ना वो कहें भी, उनको पूरा भी करके दिखाए ना। फिर बहुत उन्होंने राज कर लिया, अब मुझे मन की बात हम मोदी जी की बिल्कुल नहीं, नहीं मोदी जी मन की बात करेंगे, हमारी मन की बात सुनो ना आज। आप कहाँ लाल किले से मन की बात करते हो, कभी कहीं उड़ो के मन की बात करते हो। आप हमारे मन की बात सुनो ना, हमारे मनों में क्या चल रहा है। लोगों की झुग्गियां तोड़वा रहे हो आप, किसी पे पानी, ठंड में किसी की झुग्गियों पे पानी बरसा रहे हो आप, हाँ किसी को कुछ उलवा रहे हो, हाँ किसी मतलब आपने तो जीना हराम, कोई अपने वादों को पूरा नहीं किया। झुग्गी झोपड़ियां तोड़वा रहे हैं, किसी की नौकरी खा रहे हैं, किसी के बच्चों को बेघर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि हम इसीलिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। आप क्रूज ही बनवाते रहना, मैं तो कह रही हूँ कि आप ऐसे क्रूज ही बनवाते रहना, और ये फुटेज जरा फॉरेन में जाके ना ये दिखाना आप जाके, कि ये हमारे देश का हाल का ये है। फिर उनका वेलकम इन फुटेज की 50 साल की उम्र में आप किसी को कहते हो कि कल से आपको जॉब पे आने की जरूरत नहीं है, आपका जितना हमने 15 साल जॉब लेनी थी ले ली है, कोविड में जितनी आपकी क्लैपिंग करवानी थी करवा ली है, तिलक लगाना था लगा लिया है, फूलों की बरसात करनी थी कर दी है, लेकिन अब आपका कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज आपकी महत्व नहीं रखती है। जाते हैं वो हमें धक्के मार के बाहर निकाल देता है कि 15 साल की सर्विस बहुत होती है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी उस MPs का, उन्होंने हमें ये भी कहा कि 15 साल तुमने जॉब किए, क्या तुमने पैसे नहीं लिए क्या इस चीज के। उनका ये जवाब हमारे मुंह पे होता है सर, सर रोना आता है कि हम 15 साल कहीं जॉब कर रहे हैं और हमें कोई भी सुना के चला जाता है कि 15 साल में क्या तुमने पैसे नहीं लिए क्या। सर हमने सारे क्वेश्चन पुट किए हैं, लेकिन वो बात करने को भी एग्री नहीं है, वो हमसे बात करने के लिए भी एग्री नहीं। उन्होंने वापस हमें कह दिया कि मैं तो तुम्हें ना इस वजह से तुम्हें अंदर आने दे रहा हूँ कि तुम्हारे साथ SP साहब हैं, अदरवाइज मैं तुमसे बात भी करना पसंद नहीं करता। उनके ये वर्ड्स थे हमारे लिए। हमने सभी से गुहार लगाई है, सभी को लेटर दिए हैं, लेकिन हमें कोई भी आश्वासन कहीं से भी नहीं आया सर, कहीं से भी कोई आश्वासन हमें नहीं मिला है कि हमें एक भी कोई ऐसा दिखाई दे रहा हो कि हमें हाँ हमारी बात सुनी जा रही है या हमें न्याय मिल सकता है। हमारे को कोई भी ऐसी आश्वासन वाली बात किसी ने नहीं, नहीं, नहीं कही है, किसी ने भी किसी लेटर में भी नहीं गई है। सर उनको बताने की हमने कोशिश करी है, पर हमें लगता नहीं है कि उनके कानों तक हमारी ये बात गई हुई है, हमें नहीं लगता। लेकिन अगर उनके पास ये बात जाती तो कुछ ना कुछ हमें भी तो पता लगता ना कि उनके पास कोई बात गई है, हमारी कोई बात हमारी नहीं उन तक पहुंची। बस PA होते हैं जो आसपास वाले अधिकारी होते हैं, वो कहते हैं हाँ जी बता देंगे, दे दिया जी लेटर दे दिया, लेकिन ऐसा कोई हमें जवाब उनकी तरफ से नहीं आया है। हम जिसके पास भी जाते हैं वो हमें धक्के मार के बाहर निकाल देता है कि 15 साल की सर्विस बहुत होती है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी उस MPs का, उन्होंने हमें ये भी कहा कि 15 साल तुमने जॉब किए, क्या तुमने पैसे नहीं लिए क्या इस चीज़ के। उनका ये जवाब हमारे मुँह पे होता है सर, सर रोना आता है कि हम 15 साल कहीं जॉब कर रहे हैं और हमें कोई भी सुना के चला जाता है कि 15 साल में क्या तुमने पैसे नहीं लिए क्या। 45 साल की मेरी उम्र हो गई है सर, इतने एटिकेट्स हमारे माँ बाप ने शायद हमें दिए नहीं है कि हम उनको मुँह पे जवाब दे सके। जवाब आपकी तरफ से जा सकता है, आप मीडिया वाले हो, आप पूछ सकते हो कि 50 साल की उम्र में आप किसी को कहते हो कि कल से आपको जॉब पे आने की जरूरत नहीं है, आपका जितना हमने 15 साल जॉब लेनी थी ले ली है, कोविड में जितनी आपकी क्लैपिंग करवानी थी करवा ली है, तिलक लगाना था लगा लिया है, फूलों की बरसात करनी थी कर दी है, लेकिन अब आपका कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज आपकी महत्व नहीं रखती है इस बात के लिए। सर ये सारी बात हम कह चुके हैं सर, 3-4 महीने अब हम अपने घर नहीं गए हैं, हमने अपने बच्चों को दूर रखा है अपने आप से, उसके चलते भी ये हम नहीं है, 43 नहीं है, हमारे पीछे और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है,
हम दिल्ली में नहीं और स्टेट्स में कितने सारे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं, कहाँ जाएंगे मोदी सरकार? आप जो ये फैक्ट छोड़ रहे हैं ना, इंडिया में छोड़ रहे हैं ना, ये इसका भुगतान आपको जल्दी करना पड़ेगा। ये देख लेना, आप जल्दी ही करना पड़ेगा। आपने दो वक्त की रोटी नहीं छोड़ी हमारे बच्चों के लिए, हम कहाँ जाए, कहाँ जाए हम बताओ? पे आ जाएंगे सारे कॉन्ट्रैक्ट। आप कुछ नहीं सोच रहे, आप क्रूज ही बनवाते रहना। मैं तो कह रही हूँ कि आप ऐसे क्रूज ही बनवाते रहना, और ये फुटेज जरा फॉरेनर में जाके ना ये दिखाना, आप जाके ये हमारे देश का हाल का ये है, फिर उनका वेलकम इन फुटेज से करना, तब आपको पता लगेगा आप कौन से पीएम बन रहे हो। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सब गलत है, सब ये फेक के बातें हैं। कोई वेलकम नहीं करा मोदी जी ने, कोई अपने वादों को पूरा नहीं किया। झुग्गी झोपड़ियां तुड़वा रहे हैं, किसी की नौकरी खा रहे हैं, किसी के बच्चों को बेघर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी? कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि हम इसीलिए आपके सामने फेस हुए हैं कि आप हमें न्याय दिला सकते हो। आम जनता से भी मेरा ये आग्रह है कि ऐसे सरकार को मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो। इनको रखने की कोई जरूरत नहीं है, जिन्होंने अपने वादों को बिल्कुल पूरा नहीं किया। हम क्या मांगते हैं? हम यही तो मांगते हैं कि हमें सेम वक्त सेम सैलरी दो, हमारा टर्मिनेशन वापस लो, या हमें जॉब सिक्योरिटी दो। और क्या मांगते हैं हमें? हम ये तो दिखा नहीं सकते ना किसी को कि हमें लाखों करोड़ है हमारे पास, लेकिन मोदी सरकार ने अपने किए वादे कभी पूरे नहीं, और ना वो करेगी। मन की बात करते हैं, आपको कोरोना वायरस का फ्रंट वॉरियर कहते हैं। मन की बात हम मोदी जी की बिल्कुल नहीं, नहीं मोदी जी मन की बात करेंगे, हमारी मन की बात सुनो ना आज। आप कहाँ लाल किले से मन की बात करते हो, कभी कहीं उड़ो के मन की बात करते हो? आप हमारी मन की बात सुनो ना, हमारे मनों में क्या चल रहा है। लोगों की झुग्गियां तुड़वा रहे हो आप, किसी पे पानी, ठंड में किसी की झुग्गियों पे पानी बरसा रहे हो आप, हाँ किसी को कुछ उलवा रहे हो, हाँ किसी मतलब आपने तो जीना हराम कर दिया है। आने वाला वक्त ना इस सरकार का बहुत बुरा होने वाला है अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर उन्होंने हमारे इन बातों पे विचार नहीं किया ना, तो मैं ये बता रही हूँ कि आने वाला वक्त बहुत बुरा होना। और मैं आप सबको भी बताती हूँ ना, आप भी सिक्योर रहो, क्योंकि आपको भी कोई भी कह सकता है 15 साल के बाद आप जाओ, आपका कोई काम नहीं है। जैसा हमारे को मोदी सरकार ने कहा आज कि 15 साल काम करवा के आप जाओ, आपका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं आप वो हमारी बातें सुनते हैं? नहीं विकास दिख रहा है ना, ये विकास दिखाओ ना मोदी जी को जाके, ये विकास दिखाओ, कितने बड़े बड़े विकास वो कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। अरे दिल्ली में ये हाल है, आरएमएल के सामने संसद बना हुआ है, संसद जिसको देख के सल्यूट करते हैं लोग, उसके सामने ही हमारा हॉस्पिटल है, आरएमएल हॉस्पिटल है, जो मेरे ख्याल से दिल्ली का सेकंड हॉस्पिटल है मिनिस्ट्री का, उसका ये हाल है। बाकी का तो क्या हाल होगा, सोच के देखो आप इस बारे में ना। हमारा फ्यूचर खराब है, हमारे बच्चों का फ्यूचर मोदी जी खराब करेंगे और कर चुके हैं। महिलाओं का सम्मान बहुत करते हैं मोदी मोदी जी को कहना, ये जो बात करते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ना कहीं और ही जाके बोलना। ये देखो बेटियां उनकी कहाँ खड़ी हैं, ये देखो ना बेटियां कहाँ खड़ी हैं उनकी। ये जो लफ्ज और मुंह से कहते हैं ना, वो कहे भी और उनको पूरा भी करके दिखाए ना। फिर बहुत उन्होंने राज कर लिया, अब मुझे लगता है उनका बोरिया बिस्तरा ना पैक होने वाला, और हो भी गया होगा। कल 2 दिवसीय मीटिंग हुई है, उसमें पूरी 2024 की तैयारी, और आप कह रही है बोरिया बिस्तर उठने वाला। मैं कह रही हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, लगातार बिल्कुल मैं बोल रही हूँ लगातार। आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ लगातार उनका बोरिया बिस्तरा पैक होने वाला है। वो राहुल से डर रहे हैं ना, उनकी राहुल से डर रहे हैं। वो किससे डर रहे हैं? वो तो जूनियर है उससे, वो तो उनको समझते नहीं, उससे डर रहे हैं। ये डर ही तो उनको जो दिखा रहा है आज हमें, ये डर ही तो है उनके फेस से, डर ही दिखा रहा है वो, उनका फेस दिखा रहा है, उनको डर है कहीं ना कहीं। वो अड़चन जो दिखा रहे हैं उनको डर ही बोल रहा है ये, और कुछ नहीं बोल रहा ये। तो हम 43 है, पता नहीं वो लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, आपको क्या पता। बहुत बड़े बड़े उन्होंने वादे करके जो मुकरे हैं ना, उनको बोलो कि अपने वादों को पूरा करें। सबसे पहले ये क्रूज बनाना और वेलकम करना, फॉरन में जाना, ये छोड़ दे सब, ये हमारा जो है ना देश बचाए रखे, उनको यही कहो, उनकी यही ड्यूटी है। ये जो अपनी फुटेज जो दिखाते हैं ना विदेशों में जाके, ये वाली फुटेज जरूर दिखाना जाके। ये नर्सिस के साथ हो रहा है, 3 महीने लगातार काम करके अपने बच्चों से अलग रह के, अपने माँ बाप से अलग रह के उन्होंने कह दिया अब आप जाओ, आप जा सकते हो। ये उनके वादे पूरे तो हो रहे हैं, उनको बताना ये जाके। और मुझे ये आप लोगों से बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आम जनता से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सोचो जागो, और इस सरकार को वापस मत आने दो अगर ऐसे ही चलता रहा तो। आपको लगता है ये सरकार जिम्मेदार है कहीं ना कहीं? बिल्कुल जिम्मेदार है, करती क्यों नहीं वादे पूरे अपने, करें कहीं तो हमें सिक्योरिटी, हमें कहीं तो श्योरिटी मिले, हमें कोई तो एक जरा श्योरिटी दिखाए कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, 15 साल अपने कैरियर के आपने इस आरएमएल को दिए हैं, हम आपकी बात सुनेंगे। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा हमें, किसी एक बंदे ने हमारा लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, और ना हमसे कोई बात करने आया। यहाँ कौन बात करने आया? यहाँ भी आप ही लोग बात करने आए, आप भी हमारी तरह आम जनता में गिने जाते हो। आपको क्यों लग रहा है उन्होंने वादे, उन्होंने 370 टॉय मंदिर बनवा रहे हैं, 2024 में मंदिर खुलने वाला है। जाएंगे ना हम मंदिर, हम राम मंदिर जाएंगे ना, जाएंगे हम सब मिलके राम मंदिर।
क्या पता पूजा पाठ के सारे हमारा टर्मिनेशन वापस हो जाए, जो उन्होंने करोड़ों अरबों खरबों का पैसा वहाँ पे लगाया, ये हमारा ही तो लगा है पैसा, और किसका लगा है, हमारा ही पैसा लगा है राम मंदिर में, जिनको वो अपनी वो इमेज बना रहे उसको दिखा के हमने राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर उन्होंने नहीं बनाया, हमने बनाया, हम जनता ने बनाया, हमारा पैसा लगा है वहाँ पे। उन्होंने कहा क्या बनाया, वो तो रिबन काटने के लिए जाएंगे वहाँ पे, वो तो वहाँ पे रिबन काटने के लिए जाएंगे, पैसा तो राम मंदिर हम लोग आपने और हमने मिलके बनाया वो राम मंदिर, सोचो नहीं तो हमारे बच्चों का कैरियर बिल्कुल खराब है। अगर ये सरकार आज नहीं जगी तो हमारे बच्चे कल सड़क पर होंगे, ये मैं आपको आप कोरे पेपर साइन करा लो मुझसे, अगर ऐसा चलता रहा ना तो हमारे बच्चे सड़क पे होंगे। ये देखो ना कॉन्ट्रैक्ट की जॉब खा गए, हमारी 15 साल काम करके कॉन्ट्रैक्ट की जॉब खा गए। किसी अधिकारी ने संपर्क किया आपको इसको लेकर के कुछ आश्वासन दिया? सिंगल वन अधिकारी हमारे पास नहीं आया मैडम, सिंगल वन अधिकारी। हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई आपको आश्वासन? एक भी आश्वासन आप, मैं कहती हूँ ना आप मेरे पीछे किसी से भी पूछ सकते हो, कितनी सारी नर्सें होगी आ रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की, आप जनता हो, हम आपको मीडिया कर्मी तो मान ही रहे आप हो, लेकिन आप हमारी तरह आम जनता हो, आपके इस डिपार्टमेंट में जो आप कर रहे हो मीडिया के थ्रू, आपको भी कहा जाता है 15 साल बहुत हो गए जी, आप अपना ये उठाओ और जाओ यहाँ से, हाउ यू फील, कैसा फील होगा आप खुद सोच सकते हो, जितने भी यहाँ पे मीडिया कर्मी खड़े हैं आप खुद सोच सकते हो, 15 साल के बाद यही मीडिया आपको कहेगा आप जा सकते हो, आपको कोई काम नहीं है, कोई आपको पैसा नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं है, आपको जो हमने काम ले लिया, जो हमने आपकी एज निकाल दी वो ठीक है, आप जाओ, आप घर जा सकते हो, क्या मुँह लेके आप जाओगे अपने घर, सोचो क्या मुँह लेके जाओगे, कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा कि आपके 15 साल हो गए हैं, कोई लीगली तरीके से टर्मिनेशन नहीं कर रहा, क्या हो रहा है ये, कुछ नहीं है, सब फेक है। देखो हम ना वैसे तो हम शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में हम कुछ नहीं कह सकते हम क्या करेंगे, लेकिन अभी हम शांतिपूर्वक ही आपको अपनी बात मोदी सरकार तक पहुंचाने की रिक्वेस्ट करेंगे, सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे की हम कुछ नहीं कह सकते कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा जो हमें सिखाया गया हमारे पेरेंट्स ने और हमारी जो पहले वाली सरकार थी कि आप प्रोटेस्ट करो आराम से करो, हम आपकी बातें सुनेंगे, हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, आपके थ्रू मिलेगा हमें न्याय, हमसे कोई ना कोई तो बात करने आएगा। 15 साल तो बहुत होते हैं, नई तो जॉब जो है अग्निवीर जैसी योजना तो 4 साल क्या रही है, नहीं भाई तो लोग जाएंगे, कह तो नहीं हूँ मैं 15 साल उनके लिए बहुत नहीं हमारे लिए बहुत है, 25 साल में हमने ज्वाइन किया, 45 में हमें निकाल दिया, जाएं तो जाएं कहाँ पे, हम कौन सा फॉर्म भरेंगे, हम बताओ कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए अलग से फॉर्म निकालेगा कि 45 और 50 साल की उम्र में तुम फॉर्म भरो और पढ़ लो बैठ के, आप खुद सोचिए ना, जो हमारी एज थी अब वो हमें निकालना था 3 महीने के बाद ही निकाल देते, हमें ये होता कि हमें निकाल दिया, उन्होंने अपने प्रॉमिस पूरा कर दिया 3 महीने के बाद निकाल दिया, अब हम तैयारी करें और अच्छे से अपनी ड्यूटी पूरी करें, लेकिन उन्होंने तो हमें कहीं का नहीं रखा मैडम, 15 साल एक ही डिपार्टमेंट एक ही हॉस्पिटल देने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन कहता अब तुम्हारा कोई काम नहीं आप जा सकते हो, मोदी जी से तो हम बाद में उम्मीद रखेंगे जब आरएमएल प्रशासन हमारे साथ में।